मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। राजस्थान में महिलाओं, बच्चियों, दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भाजपा ने किया हल्ला बोल। प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं बच्चियों के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, गैंगरेप की वारदातें, दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस की गहलोत सरकार एवं प्रशासन को जगाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आह्वान पर सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बिगड़ी ने कहा कि प्रदेश भर में पीड़ित माताओं बहनों पर अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए सरकार की कान पर जू तक नहीं रही। आज प्रदेश अपराधों की राजधानी बन गया है। इन 20 महीनों में लाखों की तादाद में मुकदमे दर्ज और उन मुकदमों में अंबार है। डकैती, हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म, गैंगरेप इत्यादि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। किसानों, नौजवानों, मजदूरों और महिलाओं, हर वर्ग को इन्होंने झूठे वादों से ठगा है, वो सब जनता के सामने। सांसद देवजी एम पटेल ने कहा कि विगत 20 महीने में अशोक गहलोत के राज में प्रदेश अपराधों की राजधानी बन गया है। महिलाओं के प्रति दरी दंगी बढ़ गई है, अपराधी बेलगाम हो गए। यह मात्र सियासी आरोप नहीं है, इनकी पुष्टि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े करते हैं।